नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे कि गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा देने से पहले आज जिस तरह से आजाद जम्मू पहुंचे हैं पहली बार और एयरपोर्ट पर समर्थकों ने गर्म जोशी के साथ आजाद का स्वागत किया है। आज गुलाम नबी आजाद नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और जैसे गुलाम नबी आजाद ने जैसे ही इस्तीफा दिया और उसके बाद सबको हिलाकर रख दिया और हम देख रहे हैं हर दिन कोई ना कोई इस्तीफे की खबर आती है और आज तक कितने इस्तीफे सामने आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस का दामन छोड़कर जो कार्यकर्ता है जो नेता है उन्होंने गुलाम नबी आजाद के खेमे में शामिल हुए हैं और शायद पहली बार इस तरह से देखने को मिल रहा है कि गुलाम नबी एक नेता दिग्गज नेता के इस्तीफा देने के बाद कुछ ही दिनों में इतने सारे लोग उनके सपोर्ट में सामने आ गए हैं। तो आज इस्तीफा देने के बाद पहली बार आजाद जम्मू पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से गर्म जोशी के साथ गुलाम नबी आजाद का स्वागत किया और साथ ही आजाद आज नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं और वहीं पर अब बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं आज नई पार्टी की घोषणा करेंगे और उसके हवाले से जिस तरह से अब जो आजाद हैं वो अब किसके साथ टाई अप करेंगे, बीजेपी के साथ या बाकी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके साथ करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे। पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ टाई अप करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ना ही बीजेपी को फायदा होगा ना ही मुझे फायदा होगा। और उसी के चलते जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो बहुत सारे कारण उसको लेकर बताए थे। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का बहुत बचकना जो उनका बिहेवियर है चाइल्डिश बिहेवियर है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि अनुभवहीन लोगों के साथ वो घिरे रहते हैं जिनके सजेशन वो मानते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, बहुत सारे कारण बताए थे और आज जब वो जम्मू पहुंचे हैं तो गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो चलिए जम्मू से हमारे संवाददाता रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, सबसे पहले बताइएगा आजाद का स्वागत किस तरह से किया गया। तस्वीरों में हम देख रहे हैं बैंड बाजे देख रहे हैं, लोगों का उत्साह देख रहे हैं और बताइएगा कब आजाद जम्मू पहुंचे और क्या कुछ ताजा तफसीलात है। जी, आपको बता देना चाहती हूँ कि आजाद साहब जैसे ही जम्मू पहुंचे तमाम समर्थकों की तरफ से उनका स्वागत किया गया। अभी भी आप आवाजें सुन रहे हैं कैसे उनके नाम के नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है, उनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और उनके समर्थन में तमाम समर्थक हजारों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। सैनिक फॉर्म जो कि सैनिक कॉलोनी में है यहाँ पे उनके जन संबोधन को लेकर तमाम तैयारियां की गई है जिसके चलते आज उनकी तरफ से जो महत्वपूर्ण बातें की जाएंगी उसका इंतजार सभी को। बिल्कुल, साथ ही बताइएगा अब कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, आज नई पार्टी की घोषणा भी आजाद कर सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ सवाल से सामने आ रहा है। जी, आपको बता दें कि जैसे अलग अलग प्रकार के अंदेशे लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में जाएंगे या नई पार्टी में जाएंगे, पर ज्यादातर जो लोगों का जो आज का अनुमान है वो अपनी नई पार्टी बनाने को लेकर, यानी कि नेशनल लेवल की एक पार्टी का गठन हो सकता है जिसको लेके आज एक बड़ी घोषणा भी हो सकती है जिसको लेकर लोगों में हर्षोल्लास है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की तमाम समस्याओं को हल करने को लेके उनमें एक विश्वास है कि आजाद साहब की जब पार्टी आएगी तो तमाम समस्याओं का हल भी निकालेगी। बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखाइएगा हमारे दर्शकों को इस वक्त लाइव तस्वीरें किस तरह से वहां पर धूमधाम के साथ स्वागत किया जा रहा है गुलाम नबी आजाद का और साफ तौर पर हमने देखा इस्तीफा जैसे ही सामने आया वैसे ही कैसे हड़कंप मच गया, सियासी गहमागहमी तब से देखने को मिल रही है, हर दिन किसी न किसी के इस्तीफे की खबर सामने आती है और गुलाम नबी आजाद के खेमे में शामिल अभी तक कई लोग हो चुके हैं और गुलाम नबी आजाद पर विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तक जो वो काम नहीं कर पाए गुलाम नबी आजाद के साथ रहते हुए जरूर वो आवाम का भला करेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं गुलाम नबी आजाद का कैसे स्वागत किया गया, उत्साह के हवाले से रितिका जानकारी दे रही हैं। रितिका, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, काफी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे हैं, क्या और जानकारी है इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमने आपको स्टेज की तस्वीरें बताई हैं जिसमें गुलाम नबी आजाद के साथ तमाम काउंसलर जो हैं वो भी मौजूद हैं, जो एक्स सीएम रह चुके हैं, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले तमाम समर्थक भी उनके साथ इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं और उनके समर्थन करने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं और काफी उत्साह उन लोगों में।
बना है, और अगर नई पार्टी बनती भी है तो उन लोगों का पूरा समर्थन जाएगा कि पार्टी सफल तरीके से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो रितिका इस वक्त जम्मू से लाइव तस्वीरें दिखा रही थी, गुलाम नबी आजाद का किस तरह से स्वागत किया गया आपको, आपको जिस तरह से हमने लाइव तस्वीरें दिखाई, और साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि आज अपनी नई पार्टी का गुलाम नबी आजाद ऐलान कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये खबर जान के आपको काफी हैरानी होगी कि जन औषधि केंद्र की जो दवाई है वो ही डॉक्टरों को रास नहीं आ रही है, और ईमानदारों को बाहरी दुकानों से दवाई खरीदने के लिए बात कही जा रही है। कमीशन के चलते दवाई के लिए दुकानों पर कुछ डॉक्टर जो है वो ईमानदारों को भेज रहे हैं, और जन औषधि केंद्र जो आवाम की सहूलियत के लिए जिस तरह से वहां पर दवाइयां मिलती है जो नहीं खरीद पाते हैं, नहीं एफर्ट कर पाते हैं, अब वो जो दवाई है वो कुछ डॉक्टरों को रास नहीं आ रही है। ईमानदारों को बाहरी दुकानों में दवाई खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है, और कमीशन के चलते दवाई के लिए कुछ डॉक्टर ईमानदारों को दुकानों पर भेज रहे हैं। सबसे पहले लोगों की जुबानी सुनाएंगे कि इस हवाले से क्या कुछ डॉक्टरों का कहना है उनके। राजपुर जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं रितिका, बताइएगा कौन से ये डॉक्टर हैं जो ईमानदारों को, मरीजों को मजबूर कर रहे हैं कि वो बाहर से दवाइयां खरीदे। चाहते हैं कि तमाम हॉस्पिटल्स में मेडिसिन सेंटर्स बनाए जाते हैं ताकि जो भी पेशेंट वहाँ पे उन्हें अपनी दवाइयाँ जो है बीमारियों की वो वहीं से मिल पाए, पर डॉक्टर्स के द्वारा जो मेडिसिन लिखी जाती है वो उन सेंटर्स में या तो मिलती नहीं है, या तो डॉक्टर्स के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि अस्पताल के बाहर कुछ इलेक्ट्रिक शॉप का वो जिक्र करते हैं और कहते हैं कि वहां से जाके दवाई लेने का वो कार्य करें, तो ऐसे में मजबूर हो जाते हैं लोग क्योंकि अगर अपने पेशेंट को बचाने के लिए सेम दवाई चाहिए होती है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर्स की शायद कमीशन सेट होती है ऐसे दुकानदारों के साथ, इसलिए वो कुछ शॉप पे जाने के लिए उन्हें कहते हैं, और हॉस्पिटल्स के अंदर जो मेडिसिन सेंटर्स बने हैं वहां से दवाइयां का लेने के लिए कहा जाता है और ना ही मिलते हैं। तो भी आपने बातचीत की लोगों का क्या कुछ कहना था अब इस सवाल से, अब डॉक्टर अगर वही दवाई लिख रहे हैं जो बाहर दुकानों से ही मिल सकती है तो कितनी परेशानियां उन लोगों को हो रही है खासतौर पर जो दवाइयां एफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। जी आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट अस्पतालों की अगर बात करूं वहां पे वही लोग जाते हैं जो ज्यादा अफोर्ड महंगा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें महंगी दवाइयों की तरफ डॉक्टर्स धकेल रहे हैं तो ये से अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आने वालों किस प्रकार से महंगी दवाइयां लेंगे, अपने पेशेंट को किस प्रकार से बचाने का कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल हो जाती है, उन्हें अपना पेट वो दवाइयां लाने का कार्य करना पड़ता है, कुछ लोग उधार लेके दवाइयां लाते हैं, तो मरीजों को तमाम समस्याएं आ रही हैं, इस पे गौर किया जाना चाहिए। चलिए शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत इस हवाले से हमें जानकारी दे रहे थे, जन औषधि केंद्र की दवाई डॉक्टरों को कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही है, और ईमानदारों को बाहरी दुकानों के से दवाई खरीदने की बात डॉक्टर कह रहे हैं, और कमीशन के चलते जाहिर तौर पर इन ईमानदारों को बाहर की दुकानों में भेजा जा रहा है, और उम्मीद करते हैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आवाम परेशान ना हो, और पहले ही जब अस्पताल पहुंचते हैं तो परेशान होते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह की परेशानियां पेश आएंगी तो किस तरह से वो इलाज करा पाएंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं।
पुंछ का एक नौजवान है जो बार बार पाकिस्तान के चक्कर लगा रहा है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है और पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक ये जो नौजवान है जो बार बार पाकिस्तान के चक्कर लगा रहा है, ये मानसिक रूप से बीमार है। तो आपको खबर बता रहे हैं इस वक्त पुंछ से जो सामने आ रही है कि जो युवक बार बार पाकिस्तान के चक्कर काट रहा है, युवक के इन चक्करों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। और पुलिस की बात करें, वहां की सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, हालांकि उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, पर जब इस नौजवान के घर वालों से बातचीत हुई, उनका कहना था कि ये जो युवक है ये मानसिक रूप से बीमार है, जिसके चलते ये कभी भी कुछ भी करता है। तो क्या है सच्चाई, आप तक हम पहुंचाएंगे। और फिलहाल आपको रूबरू करवा रहे हैं उस खबर से जो कि पुंछ से सामने आ रही है, और पुंछ का ये नौजवान जो बार बार पाकिस्तान जा रहा है, इसके चलते सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अब परेशान हो गई हैं। चलिए रुक करते हैं, सन्नी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं पुंछ से हमारे संवाददाता। सन्नी बताइएगा, कौन है ये युवक जो बार बार पाकिस्तान के चक्कर काट रहा है, और उसके बाद क्या कुछ एक्शन इस हवाले से लिया गया है या किस तरह की जांच चल रही है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये हमारे पुंछ के दगवार का रहने वाला है, इसका नाम मोहम्मद राशिद है और ये दगवार के टेड़मा ये गांव है वहां का रहने वाला है। जैसा कि बताया जाता है, जो सूत्रों से जानकारी आई है कि 2 से 3 बार ये पहले भी जो है LOC क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ चला गया था, जिसे पाकिस्तान फौज ने पहले भी जो है वो भारत फौज से बात करके इसे जो है वो भारत पहुंच भेज दिया था। और कल फिर देखा गया है, 30 अगस्त को ये LOC क्रॉस कर फिर पाकिस्तान चला गया, जिसे कल फिर दोनों सेनाओं ने मिलकर जो है इसे अपने परिवार के पास फिर से भेज दिया है। बीती रात से ही इससे पुंछ पुलिस स्टेशन में जो है वो पूछताछ चल रही है, कि जितने भी घर के सदस्य हैं उन्हें पुंछ पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ जो है वो चल रही है। मैंने इनके घर के जो लोग थे उनसे भी बात करना चाहिए, उनका कहना है कि मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण ये LOC क्रॉस करके उस तरफ चला जाता है। एक चिंता की बात है कि अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो खाली LOC ही क्यों क्रॉस करके उस तरफ चला जाता है, जो आसपास के गांव हैं वहां क्यों जाता, पहुंच क्यों नहीं आता, ये कहीं ना कहीं चिंता की है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि इससे पहले भी 2 बार जो है ये LOC क्रॉस कर उस तरफ चला गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए पुंछ पुलिस और सेना की तरफ से बीती रात से ही इससे जो है बड़े पैमाने में पूछताछ की जा रही है, और इसके जो परिवार के लोग हैं उनसे भी पूछताछ जो है चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। तो सनी हमारे साथ पुंछ से ज्वाइन किए हुए थे, जो इस हवाले से जानकारी दे रहे थे, जिनका कहना है कि फैमिली से भी अभी पूछताछ जारी है, इस नौजवान से भी पूछताछ जारी है। तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो अभी तक कई बार पाकिस्तान के चक्कर लगा चुका है, और अभी भी हाल ही में जिस तरह से बताया गया कि पाकिस्तान जाने का इसका इरादा था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई हादसा पेश आता है तो किसी न किसी तरह की लापरवाही उसके पीछे होती ही होती है। तो अब हम आपको खबर बताएंगे जर्जर हालत में जिस तरह से बासी जम्वाल का ओवरहेड टैंक है, और कभी भी कोई बड़ा हादसा इस हवाले से पेश आ सकता है। बासी जम्वाल गांव के जो लोग हैं वो काफी दहशत में हैं, और उनकी गुहार है कि इस हवाले से कुछ ना कुछ किया जाए ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। तो जर्जर हालत में बासी जम्वाल का ओवरहेड टैंक है, जिसकी तरफ अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, और अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। लोगों का कहना है कि इसकी वजह से कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है, और अब जो बासी जम्वाल गांव के लोग हैं काफी दहशत में आ गए हैं, और उनका कहना है कि इंतजामिया इस हवाले से कुछ ना कुछ करे ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी पेश ना आए। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ रंजीव हमारे संवाददाता हीरानगर से ज्वाइन कर चुके हैं। तो रंजीव बताइएगा, कब से ये लापरवाही है और कब से वहां के जो लोग हैं गुहार लगा रहे हैं कि इस हवाले से कुछ किया जाए?
प्रियंका मैं आपको बता दूं कि ये हीरानगर के साथ सटा हुआ एक गांव है चांडी, जो काफी फेमस गांव है टूरिज्म के लिहाज से और एक धार्मिक स्थल भी है। और यहाँ से जो ये रास्ता यही एक एकमात्र रास्ता है उस जगह तक पहुंचने के लिए, और 6 से 7 गांव भी पड़ते हैं। और ये इस जगह पे बना हुआ जो ओवरहेड टैंक है जो अनसेफ हो चुका है, पिछले करीब 1.5 दशक से अनसेफ ही चल रहा है और 3-4 दशक पहले ये बनाया गया था। तो इसके साथ ही एक हाई टेंशन वायर भी है जो गांव को बिजली सप्लाई के लिए जाती है। और जैसे आपने देखा कि तस्वीरों में भी कि ये ऊपर से इसका एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है और कभी भी ये गिर सकता है और बड़े हादसे का इंतजार जैसे कर रहा हो। जल शक्ति विभाग और गांव के लोगों ने कई बार हर मीटिंग में, हर फोरम पे, बैक टू विलेज हो, चाहे कोई गांव की मीटिंग हो, डेपुटेशन के तौर पर इनके विभाग के पास जाकर कई बार बोला कि इसको डिसमेंटल करके लोगों को मतलब लोगों को बचाया जा सके। वहीं आपको बता दूं तो इसके इसके अलावा एक और बनाया गया है गांव में जो जिसको अभी तक चालू भी नहीं किया गया। लोगों में काफी रोष दिख रहा है। आज जैसे ही हम लोग इस गांव में पहुंचे तो इन्होंने, गांव वालों ने हमें साफ तौर पर कहा कि हम कई बार कह चुके हैं लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। जी बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। हीरानगर से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ही सारी जानकारी पहुंचा रहे थे। उनका कहना है कि लोगों ने बार बार गुहार लगाई है, अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है और एक बार फिर वो इंतजामिया से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द इस पर कुछ न कुछ किया जाए ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, और सांबा से खबर सामने आ रही है कि सांबा में जो बसंतर नदी है वो उफान पर है और मनानु क्षेत्र में तबाही मची हुई है। बसंतर नदी में पूरा का पूरा फार्म हाउस समा गया है और जिस तरह से अब जबकि सांबा में जो बसंतर नदी है उफान पर आ गई है और भारी तबाही इसकी वजह से मनानु क्षेत्र में मची है। और बताया जा रहा है कि बसंतर नदी में जो पूरा का पूरा फार्म हाउस है वो समा चुका है और जाहिर तौर पर अब इस तरह के जो हालात वहां पर बने हुए हैं, तस्वीरें इस वक्त आप आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नदी उफान पर है, हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहां के जो लोग हैं उनको कितनी परेशानी आने जाने में झेलनी पड़ रही है और पूरा का पूरा फार्म हाउस किस तरह से पानी में समा गया है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि बताइएगा, इस वक्त तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, जो लोग हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि मैं अभी भी उसी इलाके में मौजूद हूँ, मनानु इलाका, ये काफी ज्यादा प्रभावित हूँ। पहले के मुकाबले भी काफी ज्यादा बारिश यहाँ पर जो वो रिपोर्ट हुई है और काफी नुकसान हुआ है। बताते चले कि ये जो पूरा कारण बना, ये पूरा इलाका जो तबाह हुआ है, इसमें जो बसंतर नदी का एक नाला है वो नाला इसी इलाके से गुजरता है और बीते दिनों में भी वो नाली के प्रोटेक्शन वॉल आप कह सकते हैं या क्रेट्स आप कह सकते हैं वो बह गए थे पानी के तेज बहाव से। और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी ने भी संज्ञान लिया कुछ और क्रेट्स यहाँ पर डालेंगे कि फर्दर नुकसान से बचा जाए, लेकिन जो बीती रात बरसात हुई है वो पहले के मुकाबले काफी तेज हुई है और एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई कि तमाम जो क्रेट्स डाले गए वो भी बह गए हैं और उसी के साथ लोगों के घरों के अंदर पानी, तमाम जो इदारे अलग अलग हैं यहाँ इस इलाके में पूरी तरह से पानी में जो वो जलमग्न हो चुके हैं। रेत इतनी ज्यादा कि यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतें आ रही कि उन्होंने जो खेती यहाँ पर की थी धान की, वो दिखाई नहीं दे रही, कुछ अंश भी उसके नहीं दिखाई दे रहे। तमाम अगर देखे तो यहाँ पर जो जितने भी फार्म हाउस खेत वगैरह वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, सरपंच यहाँ मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने ये कहा कि हम सुबह तक दोबारा से यहाँ काम को शुरू करेंगे और एक बेहतर तरीके से यहाँ पर क्रेट को यानी प्रोटेक्शन वॉल को खड़ा करेंगे। और उसी के साथ सरपंच साहब ने ये कहा कि कुछ जो भी यहाँ पर नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए प्रशासन को उक्त कदम उठाने होंगे ताकि लोगों को राहत मिल पाए, क्योंकि इससे पहले जो नुकसान हुआ उसको लेकर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो लोगों में एक चिंता है कि अगर आने वाले दिनों में इसी तरह से मंजर रहा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, देर रात को बारिश होगी तो ये तमाम लोग जो बहकर किसी और एक इलाके में पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एक चिंता का इस समय विषय बना हुआ है और मुझे उम्मीद है कि
यहाँ जिस तरह से अधिकारियों ने या तमाम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने आश्वासन दिया है तो नुकसान की जो है वो भरपाई जरूर होगी। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो खेत पूरी तरह से नालों में तब्दील हो चुके हैं, खेती दिखाई नहीं दे रही, तमाम जो यहाँ पर प्लांटेशन थी, तमाम जो पेड़ थे वो पूरी तरह से गिर चुके हैं और पूरा इलाका जो वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। खासतौर पर अगर बिजली को लेकर बात करें तो यहाँ पर जो बिजली की लाइनें यहाँ से जा रही है, ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाए गए हैं, उनके साथ जो खंभे हैं वो तमाम गिरने की कगार पर आ चुके हैं और अगर इसी तरह से कोई ऐसी एक बरसात होती है तो ये पूरा इलाका जो वो काफी ज्यादा तबाह और हो जाएगा। इसमें लोगों को काफी ज्यादा एक चिंता सता रही है, लेकिन अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, देखना यह है कि क्या कुछ और नुकसान की भरपाई। और इसे आखिर में बताइएगा किसी तरह की कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है। देखिए एडवाइजरी को लेकर बात करें तो प्रशासन ने बरसात जब शुरू हुई थी तो उससे पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि तमाम लोग नदी नालों की ओर रुख ना करें। लेकिन आपको बता दें कि ये जो इलाका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से एक जो नाला निकलता है उसकी जो निकासी है वो नहीं हो पा रही, यानी जो पानी इसका बसंतर दरिया में जाना चाहिए वो बसंतर दरिया में नहीं जा पा रहा क्योंकि कुछ प्रोटेक्शन वाल को लेकर जो दिक्कतें हैं वो बह चुकी है। तो निकासी पानी जो वो जब बनाता है अपनी तो वो ये नहीं देखता कि लोगों के घर हैं, इदारे हैं अलग अलग, तो पानी ने जो अपना रास्ता बनाया उससे काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि एडवाइजरी को लगातार लोग फॉलो भी कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एडवाइजरी भी अब काम नहीं आ रही, जिस तरह से प्रशासन को एक उक्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई हो पाए। मुझे लगता नहीं है कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाएगी इतनी जल्दी, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान इस बार हुआ है, जो पहले बरसात में रिपोर्ट नहीं हुआ लेकिन इस बार काफी ज्यादा नुकसान रिपोर्ट हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। और ऋषि खजूरिया सांबा से जानकारी दे रहे थे और तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी तबाही जिस तरह से यहां पर हुई है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, पूरी कहीं दूर दूर तक खेती नहीं दिख रही है और साथ ही पूरा का पूरा फार्म हाउस जो है पानी में समा गया है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा, क्योंकि जिस तरह से आज गुलाम नबी आजाद जम्मू पहुंचे हैं और रैली को जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये लाइव तस्वीरें देखिए। बकरवाल गति हो एससी के हमारे भाई हूं, हमारे सिख और क्रिश्चियन भाई बहने हूं, ये तमाम मेरे दिल की धड़कनें हैं। को मालूम गुलाम नबी लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से
जो आपने अपना समय लग पर अपना समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया। पर अपना साथी माना है या लीडर माना है, कोई पहली लाइन दूसरी लाइन